मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम, आप सभी को प्यारा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और तो सावधान, क्योंकि अब आपको होने वाली कब्ज, अगर आप इस चीज़ से या फिर इस कंडीशन को पहले भी फेस कर चुकी हो या आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो आपको जो मैं इसमें आप वीडियो में आपको टिप्स बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं और आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप अपनाइए ताकि आपको प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये आपको लास्ट स्टार्टिंग से लास्ट टाइम तक आपको ये बनी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें डेफिनेटली कब्ज़ होनी है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमारे शरीर में इतने बदलाव होते हैं, इतने हार्मोन चेंज होते हैं कि कुछ भी चीज़ हमारी, जो जैसे हमारा जो फैट बढ़ जाता है, कब्ज़ होने लगती है, हमारी स्किन अजीब सी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में। तो एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि हमें, हम कुछ भी खा रहे पी रहे होते वो चीज़ हमें ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी शरीर की, ऑल ओवर शरीर की मांसपेशियों की गति को धीमा कर देता है। साथ ही साथ जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है, उनकी भी जो क्रिया विधि है, कार्य करने की जो प्रोसेस है, खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है, उसको भी ये धीमा कर देता है। ठीक है, तो हमारा खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमें अपच जैसा महसूस होता है, कब्ज जैसा महसूस होता है, आपका पेट फूला फूला रहेगा, वोमिट जैसा मन करेगा। ठीक है, कुछ भी खा नहीं पाओगे और ऐसा लगेगा कि बस खाते ही आपका निकल जाएगा। तो ये इसी वजह से होता है, हार्मोन काफ़ी लेवल तक बढ़ जाता है, जो कि हमारी आँख को ठीक से काम नहीं करने देता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी जो गति है धीमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है फुल प्रेगनेंसी में, देखिए आपने कभी सुना होगा खट्टी खट्टी डकारें आना या पेट फूला होना, तो हमें एक आइडिया दिया जाता था कि आप है ना नींबू खा लीजिए, नींबू का अचार खा लीजिए, आम का अचार खा लीजिए, क्योंकि ये खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पेट की पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे जो पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कुछ भी अगर हम खाते तो उसको आराम से डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप नींबू को किसी भी वे में ले सकती हैं, आप चाहें तो एक गिलास पानी हल्के गुनगुने में नींबू निचोड़कर वो पी सकती हैं अगर आपको कब्ज जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आप नींबू का अचार भी खा सकती हैं, वो भी आपको कब्ज से राहत दिलाएगा। दूसरा, जितना हो सकता है आप खट्टे फल खाइए, खट्टे फल आपके जो भी पचाने की शक्ति को बढ़ाएंगे और आपको कब्ज से बिल्कुल भी राहत देंगे, तो आप खट्टे फल जितना हो सकता है आप खा सकती हैं। सौंफ, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा सौंफ खाइए, आपको अगर कब्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, आप कुछ भी खाते हैं आपको ऐसा लगता है कि बस वो गले से उतरा ही नहीं है, नीचे ऊपर अटक गया है, तो आप सौंफ खाइए। खाना खाने के बाद आप सौंफ की फांकी ले लीजिए। ठीक है, तो सुबह शाम दोपहर तीन टाइम या चार टाइम आप सौंफ खा सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको कब्ज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो ये आप ज़रूर करके देखिए। जितना हो सकता है आप पानी पीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको पानी की कमी नहीं होगी, एम्यूनिटिक फ्लूड भी सही बना रहेगा, जिसमें कि बच्चा हमारा सेफ रहता है और आपकी स्किन भी साफ रहेगी और कब्ज में भी आपको राहत मिलेगी, हार्ड बॉडी नहीं आएगी। तो जितना हो सकता है जूस पी लीजिए और पानी पीजिए। फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो उसको जूस की जगह आप फ्रूट्स ही खाइए, ताकि आपके बॉडी को फाइबर भी मिलते रहें, और जो आप फाइबर खाओगे उससे आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी और कब्ज में भी आपको राहत मिलेगी। अब जैसे कि आप कोई भी खाना खा रहे हो, आप खाना कुक करते हो तो नमक ज़रूर यूज़ करते होंगे, तो नमक में आप सेंधा नमक यूज़ करें, सेंधा नमक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो आप सेंधा नमक यूज़ करें, उसका पाउडर बना लें, मार्केट में इजीली आपको सेंधा नमक मिल जाएगा। अगर आप पूछोगे कि सेंधा नमक क्या है, जो अक्सर हम व्रत में खाते हैं, ठीक है, हम कॉमन नमक नहीं खाते हैं,
व्रत में जो हम फास्ट में जो नमक यूज़ करते हैं सेंधा नमक, वो आप यूज़ करें, क्योंकि उसमें लैक्सेटिव नाम का एक ऐसा गुड़ होता है जो कि हमारी पाचन शक्ति को सही करता है, हमारी मांसपेशियाँ जो कठोर हो जाती है उनको मुलायम बनाता है और आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करेगा। ठीक है, तो आप सेंधा नमक में ही सारी सब्जियां अपना जो भी यूज़ कर रहे हो सेंधा नमक यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। जो बहुत ज़रूरी है जिससे कि प्रेग्नेंट लेडी को कब्ज़ होती है, क्योंकि हम खाना तो फुल ही खाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छी नींद लेनी है। नींद से भी आपको कब्ज़ में राहत मिलेगी। एक प्रॉपर खाने के बाद आप वॉक करें, और वॉक करने के बाद आप टाइम टू टाइम ज़रूर नींद लें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तला भुना ये कम खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रही हैं तो स्पाइसी फूड बिल्कुल भी ना खाएं। हल्का स्पाइस आप यूज़ करें अपनी सब्जियों में। अगर बहुत ज़्यादा आप नमक मिर्च ये खा रहे हो तो आपको डेफिनेटली कब्ज़ बनी रहेगी। अवॉइड करें, अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं तो ये ना खाएं प्रेगनेंसी में। ये आपको डेफिनेटली कब्ज़ कर देंगे। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खा रहे हो और रेगुलर खा रहे हो तो प्लीज़ आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम ना खाएँ। ठीक, साथ ही साथ अपने डॉक्टर के द्वारा बताए हुए एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें जितना हो सकता है, वॉक करें, सुबह करें 1 घंटा, शाम को करें 1 घंटा। ये भी आपके पेट को रिलैक्स करेगा, मुलायम बनाएगा और आपके खाने को आराम से डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको कब्ज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज, वॉक, स्प्राउट खाएं। स्प्राउट बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर मिलेगा, विटामिन सी इनसे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको स्प्राउट से मिल जाएंगी। तो आप सुबह सुबह डेली स्प्राउट खाएं, ये भी आपको कब्ज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करी थी। अगर आपको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो माय डियर मॉम्स प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय।